आप सभी को राम राम। ये देखिए, ये हमने गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, बारीक वाली सूजी डालेंगे। ज़रा सी अजवाइन डालेंगे रगड़कर, और जिस हिसाब से हमने आटा लिया है उसी हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा कम ही डालेंगे नमक। सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हमने मोयन के लिए देसी घी लिया है, क्योंकि देसी घी से जो भी हम नाश्ता बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो अगर हो सके तो आप भी देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिए, और अगर नहीं है तो तेल का भी मोयन लगाया जा सकता है, लेकिन सरसों का तेल ना लें। मोयन को पूरे आटे में देखिए मसल मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हल्के हाथों से मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर आटा इकट्ठा हो जाता है तो मोयन परफेक्ट है, नहीं तो 1/2 चम्मच घी और डाल लें। नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके लिए हमें थोड़े टाइट आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे और आटे को हम ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए आटा हमें ऐसे ही तैयार करना है, थोड़ा सा टाइट। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट बाद आटे को एक बार बढ़िया से फिर से मसल लेंगे और फिर इनकी मीडियम साइज़ की लोई बना करके तैयार करेंगे। इसके बाद इन लोइयों से हमें पूरियां बेल करके तैयार करनी है। हमें सूखा आटा, घी या तेल नहीं लगाना है, ऐसे ही इनको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ठीक ठीक बेलना है। बेलते समय इसे थोड़ा सा ओवल शेप देंगे और इसके बाद बीच से इसे आधा आधा कट कर लेंगे चाकू की सहायता से। ऐसे ही सारी लोई को हम बेल लेंगे और बेलने के बाद इस तरह से इनकी पट्टियाँ काट करके तैयार कर लेंगे। एक पूरी से 2 भाग कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग है जो कि अच्छे से ठंडी हो चुकी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टफिंग हमने बहुत ही टेस्टी बना करके तैयार की है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। ये हमने आधी पूरी ले ली है और इसके किनारों पर उंगली की सहायता से पानी लगा लिया है। इसको इस तरह से पकड़ कर लाएंगे और एक ट्रायंगल शेप देंगे। अंगूठे की सहायता से इसे दबा कर चिपका देंगे बढ़िया से, और ये हमारा तिकोना शेप तैयार हो जाता है। पहले हम इसमें ज़रा सी स्टफिंग डालेंगे ताकि वो कोने तक पहुंच जाए अंदर तक। इसके बाद थोड़ी थोड़ी स्टफिंग उठाकर इसे भर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा खाली रखेंगे ताकि चिपकाने के लिए किनारा बचा रहे। इसके किनारों पर पानी लगाएंगे और ये देखिए इस तरह से इसे अंदर की तरफ दबाते हुए ऐसे ला करके चिपका देंगे, और ये हमारा बढ़िया सा समोसा बन करके तैयार है। एक और तरीका है इसे बनाने का। फिर से हम आधी पूरी को लेंगे, किनारों पर पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से पकड़ कर चिपका देंगे। आलू वाली स्टफिंग रखेंगे इसमें। आलू को भरने के बाद इसके पीछे वाला जो भाग है यहाँ पर हम एक छोटा सा चुन्नट डाल देंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इनको पकड़ कर आपस में चिपका देंगे किनारों को। तो ये भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुंदर सा शेप बनकर तैयार हो जाता है समोसे का। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं। इसे फ्राई करने के लिए तेल चढ़ा दिया है गैस पर। हल्के गर्म तेल में ही हम इन समोसों को फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हों। तेज आंच पर इन्हें नहीं फ्राई करेंगे, आंच को धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर ही इन्हें सिकने देंगे। एक साइड से जब ये थोड़े से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। जब ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसी टाइम हम इन्हें तेल से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में ये बढ़िया से सिका गए हैं, बढ़िया सा कलर भी आ गया है।
दोनों साइड से। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये समोसे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। अगर आपको मैदा ना खाना हो तो आप गेहूं के आटे के समोसे ज़रूर बनाइए, आपको वही स्वाद मिलेगा। सिर्फ देखने में ये थोड़ा सा इतने वाइट नहीं रहते हैं, बाकी खाने में कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए कितने खस्ता और कुरकुरे समोसे हमारे बन करके तैयार हैं। इन्हें तलते समय गैस की आंच को धीमा ही रखना है। जितनी धीमी आंच पर इन्हें फ्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा ये खस्ता और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। चलिए अब इसकी स्टफिंग देख लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों के तेल डालेंगे, इसमें साबुत धनिया, ज़रा सा जीरा, 4 से 5 हरी मिर्च डाली है हमने, क्योंकि समोसे थोड़े तीखे होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा तीखा ना पसंद हो तो अपने हिसाब से मिर्ची डालिए। 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे। इसके बाद इसमें ज़रा सी हींग डाल देंगे। अगर आपके पास मटर हो तो आप इसी टाइम इसमें थोड़ी सी मटर भी डाल सकते हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी उस टाइम गैस की आंच को एकदम कम कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और ये उबले हुए आलू छिलका उतार करके इन्हें हाथ से ही तोड़ करके मैश कर लिया है। आलूओं को हाथ से ही तोड़ कर डालें, इन्हें बहुत ही ज़्यादा मैश ना करें। थोड़े थोड़े आलू के टुकड़े रहते हैं समोसे में, तभी वो खाने में अच्छे लगते हैं। स्वादानुसार नमक डालेंगे, हमने आटे में भी नमक डाला है उसी हिसाब से डालेंगे। आमचूर पाउडर डाल देंगे। एक बार इन्हें चला देते हैं। इन आलूओं को भूनते समय कलछी से हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से तोड़ना है भूनते समय। और इसमें डाल देंगे ज़रा सा गरम मसाला। सारे मसालों के साथ आलू को मीडियम आंच पर हमें चलाते हुए भूनना है। कम से कम 6 से 7 मिनट इन्हें हम भूनेंगे। आलू जब अच्छे से भुना जाती है तभी हमारे समोसे बढ़िया और खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अगर आलू अच्छे से नहीं भुनी रहती है तो आलू के अंदर का जो मॉइस्चर रहता है उसकी वजह से समोसे बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी समोसे बनाएं आलू को एकदम बढ़िया सा भून लें। भूनने के बाद स्टफिंग को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही इन्हें समोसों में हम भरेंगे। इस तरह से जब भी समोसे बनाएंगे आपके समोसे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे।